ले जी का फिल्म आ रही है जय रंधावा की, जय जट बिगड़ गया। अच्छा हाँ जी जट से वैसे ही बिगड़ा। मैं अभी कहने लगा था कैसी बात है, मेरे मुंह से आपने ये बात छीन लिया। मैं कहने लगा था होर किन्ना अच्छा और किन्ना के बिगड़ना पाए ना, मेरे को पूछो मैं जट हाँ। चलो ठीक है देखते हैं। लोगों को पूछो मैं की हाँ किन्ना को बिगड़े है। लो जी देखते हैं जी ट्रेलर उसका। जट बिगड़ गया। कदे गुस्सा नहीं करना नहीं तो गर्दन टेढ़ी हो जू। हर बंदे दी खुशी ओदे परिवार च हुंदी है। लो जी मेरी गर्दन में काली परिवार थी एक मतलब मैं तो बिगड़ा हूं फिर चाहता जट बिगड़दा है। अच्छा हाय 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 या फिर दुनिया सुधरती है। मेरी जड़ी बेबे है ना वो दो ही सुखा मांगदी है, पहली कि मेरा पुत किसी नाल लड़े ना रखना बनाई हुई है। तेन पता गुड्डो ही हो जे काका हो चाहे गुड्डो हो चाहे काका मामा कौन रहू। तेनू मैनू मिलदे नू किन्ने दिन हो गए पर मैं नोट किया तू ना मैनू तुझी नजर नहीं दिखा मैनू पतिया लग्या। चंडीगढ़ स्वागत है। अच्छा जी साडे खिलाफ कैंपेनिंग करेगा भाई साडा तक काम ही सा रोकना है। मैं अपने परिवार नू बचाउण लई अपने परिवार दा खून डोलता सी जे जट फिर विगड़ गया ना तो पानिया जग नचूगी ते अग नू सेक तेरिया हड्डिया दा होगा। उन्हें मेरे दिल ते सट मारी है असी पहला उन्हें दिल ते सट मारांगे ते फिर उन्हें मारा। तू अपनी फैमिली नू लेके इत्थों निकल जा तेरे ते कदे भी अटैक हो सकदा है। जिन्ना बाहां ते भैण 25 साल तो रखड़ी बांधी आई है ना उन्हां च इन्ना दम तां हैगा कि अपनी भैण दा घर बचा सकण। फिकर ना करो कुछ नहीं होता दलेर नू। मैनू फिकर दलेर दी नहीं फिकर मैनू उन्ना दी है। जदों शेर विगड़दा ना उदों जंगल च तबाही आउंदी है जदों जट विगड़दा उदों दुनिया ते। जिन्ना दे पैरी पैना चाहिए उन्ना दे हत्थी नहीं पई दा। अच्छा वाह अच्छा ये तो बड़ी जबरदस्त लग रही है। जल्दी आ रही 17 मई को। बेस्ट ऑफ लक। एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा एक जमाना था जब साउथ इंडियन मूवीज का ना मजाक उड़ाया जाता था जब ये देखा जाता था कि यार एक गोली चली है पता नहीं 100 गोलियां लग गई हैं हीरो को वो फिर भी वो एक उंगली से ऐसे इशारा कर रहा है तो बंदा उड़ता हुआ जा रहा है वो पता नहीं कहाँ पे वो सुपरमैन बन गया वो है। अब वो सारा टच जो है ना वो पहले बॉलीवुड में आया अब वो देखने में आ गया कि पंजाबी फिल्मों में भी वही वाला टच आ गया। अच्छा शुरुआत इसकी कहाँ से हुई थी भला? कहाँ से? सबसे बड़ा सुपर हीरो जो था ना हाँ। वो था मौला जट। अच्छा, जब पाकिस्तान ने शुरू किया था हाँ। और वो ये सारा वही है हाँ। वहीं से हाँ। रैम्बो निकला हाँ। वहीं से वो सारे जितने भी है ये यानी हॉलीवुड तक भी हाँ। वही की लेके गया है सारी चीजें। मौला जट की तो माँ आवाज देती थी मौलिया और पहुंच जाता था कब्र से उठ के आया तो था आप कह रही है पहुंच जाता था तो जी वो गरीब ही सीन था। वो 1000 गोली खा के भी जिंदा रहता था वो कम से कम वो तो ऐसे था जैसे कि वो टॉफियां खा रहा और अपने पास उसके ऐसे में गंडा सा ही था हाँ बाद में बंदूक दे दी थी उसको कुछ फिल्मों में दी थी उसको बंदूक मैंने कहा होन बहुत हो गया गंडा से काम नहीं चलेगा।
बहुत ज्यादा मजाक उड़ा दिया था उसका, तो फिर उसको बंदूक दे दी थी एक आधी। चले जी, बेस्ट ऑफ लक। लो जी, देखें, इंजॉय करें, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। रब रखा। अल्लाह हाफिज़।